जय श्री कृष्णा दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब? स्वस्थ और सुरक्षित होंगे? दोस्तों, इस बार की एकादशी ज्येष्ठ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी 26 मई को पड़ रही है। दोस्तों, यह एकादशी अचला और अपला दो नामों से जानी जाती है। पुराणों के अनुसार ज्येष्ठ कृष्ण पक्ष की एकादशी अपरा एकादशी होती है, क्योंकि यह अपार धन देने वाली होती है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं वह संसार में प्रसिद्ध और ऐश्वर्ययुक्त हो जाते हैं। इस दिन भगवान त्रिविक्रम की पूजन की जाती है। अपरा एकादशी के व्रत के प्रभाव से ब्रह्महत्या, भूत योनि, दूसरे की निंदा आदि जो भी पाप होते हैं सब पाप दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से पर स्त्री गमन, झूठी गवाही देना, झूठ बोलना, झूठे शास्त्र पढ़ना या बनाना, झूठा ज्योतिषी बनना और झूठा वेद बनना आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। जो क्षत्रिय युद्ध से भाग जाएं वह नरकगामी होते हैं, परंतु अपरा एकादशी का व्रत करने से वह भी स्वर्ग को प्राप्त होते हैं। जो शिष्य गुरु से शिक्षा ग्रहण करते हैं फिर उनकी निंदा भी करते हैं वे अवश्य नरक में पड़ते हैं, लेकिन अपरा एकादशी का यदि व्रत करते हैं तो वह भी इस पाप से मुक्त हो जाते हैं। जो फल तीनों पुष्कर में कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने से या गंगा तट पर पितरों को पिंड दान करने से प्राप्त होता है दोस्तों, वही अपरा एकादशी का व्रत करने से प्राप्त होता है। मकर के सूर्य में प्रयागराज में स्नान से, शिवरात्रि का व्रत करने से, सिंह राशि के बृहस्पति में गोमती नदी के स्नान से, कुंभ में केदारनाथ के दर्शन या बद्रीनाथ के दर्शन करने से, सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र के स्नान से, स्वर्ण दान करने से अथवा अर्धप्रसूता गोदान से जो फल मिलता है वही फल अपरा एकादशी के व्रत से मिलता है। यह व्रत पाप रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुल्हाड़ी होती है, पाप रूपी ईंधन को जलाने के लिए अग्नि होती है, पाप रूपी अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य के समान, मृगों को मारने के लिए सिंह के समान है। अतः मनुष्य को पापों से डरते हुए इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। अपरा एकादशी का व्रत तथा भगवान का पूजन करने से मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। इसकी प्रचलित कथा के अनुसार प्राचीन काल में महीध्वज नामक एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उसका छोटा भाई ब्रजध्वज बड़ा ही क्रूर, अधर्मी तथा अन्यायी था। वह अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था। उस पापी ने एक दिन रात्रि में अपने बड़े भाई की हत्या कर दी और उसकी देह को एक जंगली पीपल के नीचे गाड़ दिया। इस अकाल मृत्यु से राजा प्रेतात्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक उत्पात करने लगा। एक दिन अचानक धूम्र नामक ऋषि उधर से गुजरे। उन्होंने प्रेत को देखा और तपोबल से उसके अतीत को जान लिया। अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण समझा। ऋषि ने प्रसन्न होकर उस प्रेत को पीपल के पेड़ से उतारा तथा परलोक विद्या का उपदेश दिया। दयालु ऋषि ने राजा की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए स्वयं ही अपरा यानी अचला एकादशी का व्रत किया और उसे अगति से छुड़ाने को उसका पुण्य प्रेत को अर्पित कर दिया। इस पुण्य के प्रभाव से राजा की प्रेत योनि से मुक्ति हो गई। वह ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्ग को चला गया। हे राजन, यह अपराधिक एकादशी की कथा मैंने लोकहित के लिए कही है। इसे पढ़ने अथवा सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। दोस्तों, ये तो हुई अपरा एकादशी की कथा। इसे अवश्य सुनना चाहिए, चाहे आप व्रत करें या ना करें। इसको सुनने से ही आपको पुण्यों की प्राप्ति होती है। अपरा एकादशी का यदि आप व्रत कर रहे हैं, नहीं भी कर रहे हैं, तो आप सुबह सुबह स्नान कर पीला वस्त्र अवश्य धारण करें। भगवान विष्णु की प्रतिमा, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को पीले आसन पर रखें। रोली कुमकुम का तिलक लगाएं। धूप दीप नैवेद्य चढ़ाकर भगवान विष्णु की पूजन करें। ये बात का आप अवश्य ध्यान रखें कि चावल भगवान विष्णु को समर्पित नहीं होते हैं। जलाभिषेक करने के लिए शंख का प्रयोग, यदि आपके पास शंख है तो आप शंख का प्रयोग करें। शंख माता लक्ष्मी को अत्यधिक प्रिय है, इसलिए शंख से जलाभिषेक या दुग्ध का अभिषेक करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। व्रत पारण के समय आप
यदि सक्षम हैं तो एक ब्राह्मण को अवश्य भोजन कराएं और यथासंभव दान दें, जो भी आप दे सकते हैं। इससे आर्थिक उन्नति होती है और मानसिक लाभ प्राप्त होता है। इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें, यदि आप महिला हैं तो आपको इस दिन केश नहीं धोने चाहिए, बाल नहीं धोने चाहिए, कि दुर्भाग्य को आमंत्रण देने का कारण बन सकता है। साथ ही इस दिन नाखून और बाल नहीं काटना चाहिए, दाढ़ी नहीं बनाना चाहिए, शेविंग नहीं करना चाहिए। यदि आप इन बातों का एकादशी के ध्यान रखते हैं तो आपकी अवश्य उन्नति होती है, अवश्य आपको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अब मैं जो उपाय बताने जा रही हूँ, आप इस उपाय को अवश्य करें। आप 5 कौड़ियाँ बाजार में मिल जाएंगी, पूजन स्थल पर जहाँ पूजन की सामग्री मिलती है वहाँ पर मिल जाएंगी। 5 कौड़ियाँ ले आएँ, 1 हल्दी का टुकड़ा, 1 छोटा सा पीला कपड़ा। इन सब सामग्री को आप सुबह के समय पूजन करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात। ये कार्य आपको शाम के समय करना होगा। आप माँ लक्ष्मी के सामने समक्ष इस पीले कपड़े को बिछाएं। विष्णु जी की यदि आपके यहाँ फोटो प्रतिमा है वह स्थापित करें, माँ लक्ष्मी को स्थापित करें और घी का दीपक लगाएं और वहाँ इस पोटली को में सामग्री, जो सामग्री बताई गई है, पीली कौड़ियाँ, यदि कौड़ियाँ सफ़ेद रंग की है तो आप हल्दी या केसर से पीला कर सकते हैं, रंग सकते हैं, और 1 हल्दी की गठान, इन सबको माँ लक्ष्मी के समर्पित, विष्णु जी के समर्पित करें। और उसके बाद 1 घी का दीपक लगाकर ओम भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें या श्रीम माँ लक्ष्मी का बीज मंत्र आप कमलगट्टे की माला से कर सकते हैं, तुलसी जी की माला से कर सकते हैं। और यह मंत्र करके आप यदि आपने सुबह एकादशी की कथा सुन ली है और यदि आपकी इच्छा है तो आप शाम को भी सुन सकते हैं, बहुत ही उत्तम फल प्राप्त होते हैं। और जब आपकी पूजन हो जाए, आप आरती करें भगवान विष्णु की, माँ लक्ष्मी की, उसके बाद आप इस पोटली को उठाकर अपने धन वाले स्थान पर रख दें। और एकादशी के दिन आप इस बात का विशेष ध्यान रखें कि माँ तुलसा जी को की पूजन अवश्य करें, लेकिन तुलसा जी को 11 के दिन, एकादशी के दिन जल नहीं चढ़ाया जाता। इस बात का विशेष ध्यान रखें, जल नहीं चढ़ाएं, लेकिन शाम के समय दीपक अवश्य लगाएं, पूजन करें। और इस दिन तुलसी दल तोड़ना भी नहीं चाहिए, लेकिन श्री हरि भगवान विष्णु के भोग में जब तक तुलसी दल नहीं डाला जाता भगवान भोग नहीं ग्रहण करते, और तुलसी दल कभी बासा भी नहीं होता। इसलिए आप 1 दिन पहले, 2 दिन पहले थोड़े ज़्यादा तुलसी दल तोड़कर रख लें, या नीचे गिरे हुए आप तुलसी दल लेकर जो आपके गमले में लगे हुए हैं, और यदि तुलसी दल अपने आप नीचे गिर गए हैं उन्हें उठाकर और धोकर आप इस कार्य में ले सकते हैं। आप शाम के समय जब आपकी पूरी पूजन हो जाती है, अपने मुख्य द्वार के दोनों तरफ थोड़ी सी हल्दी गीली कर लें और हल्दी का स्वास्तिक अवश्य बनाएं, और थोड़ी सी कंकु से, रोली से माँ लक्ष्मी के चरण अपने मुख्य द्वार की देहरी पर अवश्य बनाएं, 1 घी का दीपक लगाएं और माँ लक्ष्मी से आह्वान करें, भगवान श्री हरि विष्णु से आह्वान करें कि आप तो आओ ही आओ और माँ लक्ष्मी को साथ में लेकर आओ। इस तरीके से जब आप प्रार्थना करेंगे माँ लक्ष्मी अवश्य आपके घर आएंगी। जो भी संकट है, जो भी कष्ट है, आप जब पूजन करते हैं, पूजन आपकी पूरी होती है, आप अपनी समस्या को भगवान के चरणों में रखें, अब देखना कितनी जल्दी आपकी समस्या दूर होती है। साथ ही यदि आपके जीवन में एक बहुत ही बड़ी समस्या है कोई, जो दूर होने का नाम ही नहीं ले रही, आपको ऐसा लग रहा है कि जीवन ही आपका विफल हो गया है, बेकार हो गया है, तो आप एक उपाय अवश्य करें, लेकिन बहुत बड़ी समस्या के लिए आपको करना है। एक तरह से मान लीजिए कि आपने भगवान श्री हरि विष्णु पर आप पूरा पूरा अपना प्रेशर डाल रहे हैं। आपको एक सफ़ेद रंग का छोटा सा कागज़ लेना है, बिल्कुल छोटा सा चौकोर कागज लेना है, और उसे थोड़ा सा हल्दी से पीला रंग लें। यदि आपके पास पीला रंग का स्केच पेन है तो बहुत ही अच्छी बात, नहीं तो हल्दी से ही अपनी समस्या लिखें। जो आपका घर का मंदिर है, आप रात्रि में 7 बजे के बाद आप कभी भी कर सकते हैं, रात्रि तक कर सकते हैं, और जाकर श्री हरि भगवान विष्णु के, माँ लक्ष्मी की यदि आपके यहाँ फोटो प्रतिमा है उनके समक्ष रखकर, यदि नहीं है तो आप गणेश जी के समक्ष भी रख सकते हैं, रखें और विनती करें। विनती करके आप आकर सो सकते हैं, मन ही मन में जब तक आप जग रहे हैं, लेटे लेटे भी आप भगवान श्री हरि विष्णु का और माँ लक्ष्मी का
स्मरण करते रहें, उनसे विनती करते रहें। अब जब सुबह उठें, स्नान करें, उसके बाद वह जो आपने कागज लिखा था, भगवान से फिर से पुनः एक बार विनती करें और उसको उठाकर यदि आपके पास आसपास कोई बहता हुआ जल है वहाँ प्रवाहित कर दें, नहीं तो आप अपने घर में गमले में भी मिट्टी के अंदर गाड़ सकते हैं, या कोई पीपल का वृक्ष आसपास कोई बड़ा वृक्ष है, बरगद का वृक्ष, पीपल का वृक्ष, उसके नीचे आप रखकर वो थोड़ी सी मिट्टी और थोड़ा सा जल डालकर आ जाएं। बहुत ही जल्दी आपकी वह समस्या आपकी जिंदगी से दूर हो जाएगी। आप अपने घर के मुख्य द्वार पर स्वास्तिक, हल्दी के स्वास्तिक बनाना ना भूलें, क्योंकि इस बार की जो एकादशी आ रही है गुरुवार के दिन, भगवान वैसे भी भगवान विष्णु का दिन होता है, और इस दिन आप अपरा एकादशी अपना एक अलग महत्व लेकर आ रही है। आप जो भी विनती करते हैं वो जब आप अपने घर में हल्दी का स्वास्तिक लगाते हैं मुख्य द्वार की दोनों तरफ, अवश्य कर माँ लक्ष्मी आपके घर स्वयं को आमंत्रित मानकर अवश्य आएंगी और आपके सारे कष्ट सारी समस्या दूर कर देंगी। कर कर देखें, विश्वास रखें, श्रद्धा रखें, और आप पर और आपके पूरे परिवार पर भगवान श्री हरि विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। ओम नमः शिवाय।